है माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री इक्वल्स टू वन बाय थ्री प्लस ब्रैकेट में माइनस वन बाय टू। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री, इसको ब्रैकेट से निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री। एलसीएम ले लें सिक्स, ठीक है सिक्स आ गया हमारे पास, टू और सिक्स को डिवाइड किया गया गया थ्री, वो थ्री हमारे पास न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होके माइनस थ्री। इसी तरह थ्री और सिक्स को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा टू, वो टू हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर से टू, माइनस थ्री प्लस टू बाय सिक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन बाय सिक्स। राइट हैंड साइड इसी तरह जब हमने ली वन बाय थ्री प्लस माइनस वन बाय टू, वन बाय थ्री प्लस माइनस माइनस वन बाय टू, इसी तरह एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस वन बाय सिक्स। तो हमने प्रूव कर दिया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। पार्ट टू की तरफ आते हैं हमारे पास, तो ट्वेल्व बाय माइनस वन जीरो फाइव मल्टीप्लाई माइनस फिफ्टीन बाई एटी फोर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। जब हमने इसको लिया तो हमारे पास कटिंग ऑफ गई ट्वेल्व के टेबल से, ट्वेल्व वन जर ठीक है ट्वेल्व और ट्वेल्व सेवन पे 84। इसी तरह यहाँ पे कटिंग होगी 15 के टेबल से, 15 वन्स और 15 सेवन्स और 105 ठीक है। तो यहाँ बच गया 1 बाय माइनस सेवन, यहाँ बच गया माइनस 1 बाय सेवन, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 साथ में माइनस, इसी तरह 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 साथ में माइनस, माइनस माइनस से कट जाएगा 1 बाय 49। राइट हैंड साइड हमने ले ली माइनस 15 बाई 84 और मल्टीप्लाई 12 बाय माइनस 105, कटिंग कर लेंगे 15 के टेबल से वैसी कटिंग हो जाएगी, 12 के टेबल से यहाँ पे कटिंग हो जाएगी वैसी 1 बाय माइनस 1 बाय 7 और 1 बाय माइनस 7, 1 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस 1, इसी तरह माइनस 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया माइनस 49, माइनस माइनस कट जाएगा और 1 बाय 49, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। पार्ट थ्री है हमारे पास, थ्री बाय फाइव वन बाय टू प्लस सेवन बाय टेन, ठीक है हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करनी है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जब हमने एलसीएम लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया टेन। अब टू और टेन को डिवाइड किया तो हमारे पास फाइव का आंसर आया, वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर यहाँ फाइव दे देगा। टेन और टेन को हमने डिवाइड किया तो वन आएगा और वो वन सेवन से मल्टीप्लाई होकर सेवन दे देगा। एलसीएम आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है सिक्स में, ठीक है सेवन प्लस फाइव क्या हो जाएगा ट्वेल्व और थ्री बाय फाइव, ठीक है अब हम एलसीएम लेंगे टेन, यहाँ पे क्या दोबारा से एलसीएम लेने के बाद टेन आया, फाइव और टेन को डिवाइड करेंगे टू, वो टू इस थ्री से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर सिक्स आ जाएगा। टेन और टेन हमारे पास डिवाइड होंगे वन और वन टू से मल्टीप्लाई होकर ट्वेल्व, सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन ओवर टेन, टू के टेबल से कटिंग की ठीक है, यहाँ नाइन टाइम्स आ जाएगा एटीन, यहाँ फाइव टाइम्स टेन ठीक है, तो नाइन बाय फाइव इसका आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपने इसी तरह सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड में भी हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए फाइव और टू का एलसीएम टेन आ जाएगा। अब फाइव और टेन को जब डिवाइड करें टू आएगा और टू इस थ्री से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसी तरह जब टू और टेन को डिवाइड करें तो आ जाएगा फाइव और फाइव इस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स, फाइव को वन से मल्टीप्लाई किया फाइव और साथ सेवन बाय टेन एज इट इज़ चलेगा। सिक्स प्लस फाइव इलेवन बाय टेन प्लस सेवन बाय टेन, एलसीएम लिया टेन इलेवन प्लस सेवन ठीक है, तो क्या आ जाएगा एटीन बाय टेन, कटिंग कर लें टू के टेबल से तो हमारे पास बच जाएगा नाइन बाय फाइव। और लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर था, तो हमारे पास प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके दो पार्ट और करने हैं ठीक है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगी।